सो गाइस यहाँ पे मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं फेस्टिवल करूंगा, मैं फेस्टिवल करूंगा, मैं फेस्टिवल करूंगा, मैं प्रॉमिस आ करता जाओ हूँ। भाई, डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड पे बैठा हूँ भाई। सुनीता कैसी लगी मूवी? अच्छा नहीं लगा, रियल वाला रावण अच्छा लगा। अच्छा ही लगा। 1v6 ठीक है ना क्यारा? तुम्हें देखना है गेम प्ले पूरा, और तुम्हें अच्छा और सभी सब्सक्राइबर के लिए चैलेंज है। ओके। पिछले 10 साल से उसकी मदर की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हो साइकोपैथ, एंड हिंदी में कह सकते हो पागल, जो कि कहना अच्छा नहीं लगता। जो बंदा था ये हमारे गिल्ड का एक बंदा था। तो हेलो गाइस, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले न्यूज़ से बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ होने वाली मेरी आजू जी आई से रिलेटेड। तो होते हैं कि यूजी अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड करते हैं जिसके अंदर वो सुनीता और उनके कुछ फ्रेंड्स आदिपुरुष मूवी देखने गए होते हैं। तो इसको नहीं पता, जस्ट मैं क्लियर कर दूं कि आदिपुरुष मूवी कल रिलीज हो चुकी है। तो इस मूवी को देखने के बाद वो और उनके फ्रेंड्स इस मूवी पर अपना रिव्यू देते हैं। तो चलिए वो सब क्लिप देखते हैं, उसके बाद आके आपसे बात करते हैं। मूवी खत्म हो चुकी है तो सबके रिव्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लेंगे सुनीता का रिव्यू। सुनीता कैसी लगी मूवी? अच्छा नहीं लगा, रियल वाला रावण अच्छा लगा। अच्छा ही लगा। ऋषि भाई देखो, जेन्युइनली बताऊँ तो बहुत लोग बोल रहे थे VFX खराब है, ये वो। तो तुम देखने जाओगे सामने तो तुम्हें उतना बुरा नहीं लगेगा। हाँ। मतलब देखने में मजा आएगा, रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ तो जो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा नहीं दिखाना चाहिए वो दिखाया गया, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा वो चीज़ देख के। बट वो भी ठीक था, वहाँ तक ठीक था। बट एक चीज़ सबसे बड़ी मिसिंग मेरे को लगी। स्पॉइलर मत दे, स्पॉइलर मत दे बस भाई। चलो फिर कैसी, 10 में से नंबर दे भाई। तो 10 में से मैं 7 दूंगा, बट हिंदू धर्म के लिए तुम देखने जाओ यार, तुम्हें मूवी अच्छी लगेगी। सनम भाई रो क्यों रहे हो सनम भाई? अरे वो यार 3 बज रहा है यार। मूवी के हिसाब से अच्छा है, लेकिन स्टोरी और रियलिटी के हिसाब से गड़बड़ है, गड़बड़ है बहुत। और मैं बताऊं तो भाई कुछ, हाँ मतलब थोड़ा चल रहा है स्टोरी, लेकिन अपनी तरफ से बहुत सारे सीन ऐड कर दिए, बहुत सारे सीन उड़ा दिए हैं। मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, आप लोग देखो, लेकिन बहुत मेन सीन था जिसका वेट कर रहे थे हम, वो सीन नहीं आया। लेकिन एक चीज़ थी गाइस, जितना भी हनुमान जी वाला सीन आया सब में गूज़बम्प्स आए। मतलब जितना भी सीन था ना हनुमान जी वाला, जितना भी सीन था, बचपन से रामायण अलग हो गया कहानी ना। तो बाकी अपने इन सब का रिएक्शन तो देखिए लोग, और बाकी इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है अपने ओपिनियन आप कमेंट में दे सकते हो। और बाकी कमेंट में दे किस किस ने आदिपुरुष मूवी देख लिया, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बाकी ये न्यूज़ हमारी NXT ब्लैक डाको से रिलेटेड होने वाली है। तो NXT ब्लैक डाको अपने चैनल ब्लैक डाको गेमिंग पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसके अंदर वो NXT गिल्ड के मेंबर NXT रतन से रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं, और उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड भी बताते हैं। तो चलिए वो सब क्लिप देखते हैं, और जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि NXT रतन ने अब NXT गिल्ड लीव कर ली है। तो चलिए वो सब NXT ब्लैक डाको के उस वीडियो से रिलेटेड क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आपसे एक स्टोरी होने वाली है जिसकी पिछले 10 साल से उसकी मदर की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हो साइकोपैथ, एंड हिंदी में कह सकते हो पागल, जो कि कहना अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा, क्योंकि गाइस मेरी माँ ऐसे है कब से, कब 13 साल से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ का मैं इलाज करा पाऊँ गाइस, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज करा। ये जो आपने वीडियो अभी देखी ये उसी लड़के की है जिसकी मैं स्टोरी नहीं, ये रियल कहानी है, एंड ये हो रहा है अभी। ये जो बंदा था ये हमारे गिल्ड का एक बंदा था जिसका नाम है NXT रतन। एंड गाइस ये अपनी स्टोरी हमें बताता है, पहले हमें लगता है भाई ये फेक हो सकता है, बट ये हमें वीडियोज भेजता है एंड ये व्लॉग अपलोड करता है, तब हमें लगता है कि नहीं भाई ये रियल है, जो भी हो रहा है रियल हो रहा है। एंड ने भाई के घर की वीडियो मांगी, तो भाई का घर बाहर से कुछ ऐसा दिखता है जो कि एक मोहल्ले पे, एंड भाई बिलोंग करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में आपको पता है कितनी गर्मी होगी, एंड घर की कंडीशन आप देख के सोच भी नहीं सकते। आगे मैंने भाई से खुद मांगी वीडियो की, खुद बना के दो क्या चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा ना लगे भाई खुद से कुछ भी कह रहा है, तो आगे आप उनके भाषा में उनके जुहान में खुद ही देख लो। तो गाइस ये जो घर देख रहे हो ये दादी का घर, ये हमारा घर नहीं है। तो गाइस मैं अभी अपना घर दिखाने वाला हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि गाइस मैं अपने घर का दिखाने वाला हूँ हम। तो गाइस मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, आप देखा ही होगा इस प्रकार, गाइस देख सकते हो, और आपको दिखाता हूँ गाइस। और ये मेरी मम्मी है गाइस, देख सकते हो आप, ऐसी रहती है देखो। और ये मैं जहाँ खाना बनाता हूँ, और ये मेरी मम्मी है गाइस, तो कुछ बोल रही है लेके आने के लिए। और गाइस यहाँ पर मैं दिन भर सोता हूँ, चद्दर बहुत गर्म रहता है गाइस, क्या ही बोलो यार, इतनी गर्मी हो रही है ना जिसकी हद नहीं है। और ये मेरा घर है गाइस, मतलब कमरा है, कभी कभी बारिश आती है तो हम सारे पापा मम्मी और सारे यहीं सोते हैं गाइस। और यहाँ से चूता भी है थोड़ा बहुत, पानी नीचे से आता है यहाँ से, ये बीच में जो कड़ा दिख रहा है वो गाइस देख सकते हो, यही मेरा किस प्रकार से ऐसा घर है। और कभी खाने की चीज़ें वगैरह पड़ी है आप देख सकते हो, और ये मेरी मम्मी है गाइस देख सकते हो, ऐसी रहती है। और
बाकी अपने ब्लैक डाउन का रिएक्शन तो देख ही लोग, और बाकी इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है अपने ओपन कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी जो भी नेक्स्ट रतन को सपोर्ट करना चाहता है वो उनके चैनल को जाकर लाइक सब्सक्राइब कर सकता है। और बाकी हम लोग यही प्रे करेंगे कि उनकी मदर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बाकी ये न्यूज़ हमारी होने वाली एनजी कैरा से रिलेटेड। तो आपको बताओ एनजी कैरा ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर वो एनजी का गिल टेस्ट देते हैं, और बाकी उससे रिलेटेड नॉनस्टॉप गेमिंग उन्हें चैलेंज भी करते हैं कि इनको पहचानना है कि इस रॉक की आईडी से कौन खेल रहा है। तो चलिए पहले वो सब क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद आके आपसे बात करते हैं। चलो तो गाइस बोलना, आज हम चैलेंज देने वाले हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना ग्यारह को। ठीक है और चैलेंज कुछ ऐसा रहने वाला है। ए बल्लू बता। हम लोगों ने बुलाया है रुवक को, क्या बात है। और ये चैलेंज आप लोगों के लिए भी रहने वाला है। ओके, तो रुवक को बुलाया और आज हम लोग इसका गेम प्ले करने वाले 1v6। मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है। समझ गया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना ग्यारह को ये गेम प्ले देखना चाहिए, देखते हैं क्या हो, और वो ही बताएगी कि आखिर ये रुवक है नहीं है कौन है। ठीक है। तो रुवक भाई मेरी आईडी में यहाँ पे आ चुके हैं। बट मैं क्यारा को देख रहा हूँ, रुको क्यारा किधर है, ग्रुप किधर है। चलो ठीक है, 1v6 ठीक है ना क्यारा, तुम्हें देखना है गेम प्ले पूरा, और तुम्हें और सभी सब्सक्राइबर के लिए चैलेंज है। ओके तो हम लोगों को पता करना है कि ये रुवक है या कोई और। तो बाकी अपने क्यारा और नॉनस्टॉप गेमिंग का रिएक्शन तो देख ही लिया, और तो इसके बाद बहुत से बंदों को लगने लगता है कि रियल रुवक किस आईडी से खेल रहा है, या फिर रुवक की आईडी से रेक्स खेल रहा है, या फिर कोई और खेल रहा है। तो इसके बाद आज एक क्यारा अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं जिसके अंदर वो रिवील कर देते हैं कि इस आईडी से कौन खेल रहा था। तो चलिए वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। क्या बात बोल रही थी वो, जो पता है गाइस ये इतना पागल है ना, मेरे साथ क्यों प्रैंक कर रहा है पता नहीं। मतलब वो जो रुवक वाला वीडियो था ना, उसमें भी इसी ने खेला था। अब बताओ, मुझे कुछ नहीं बोलना, चलो वीडियो खत्म कर। तो बाकी आपको क्लियर हो ही गया हो कि इस आईडी से रुवक या फिर कोई और प्लेयर नहीं खेल रहा था, तो इस आईडी से खेल रहा था तूफान। तो बाकी इससे रिलेटेड आपको क्या लगता है अपने ओपन कमेंट में दे सकते हैं। और तो बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तीन न्यूज हमारी नॉनस्टॉप गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो नॉनस्टॉप गेमिंग कल अपने चैनल पर लाइव कर रही थी जिसके अंदर रेक्स को चैलेंज देते हैं कि वो और तगारो मिलकर 2v6 कस्टम खेलेंगे। अगर वो कस्टम हार जाते हैं तो रेक्स अपना फेस रिवील करेंगे। तो उसके बाद रेक्स वो कस्टम हार जाते हैं, उसके बाद नॉनस्टॉप गेमिंग का क्या रिएक्शन होता है रेक्स के फेस रिवील पर, चलिए वो सब क्लिप देखते हैं। हाँ भाई कैसी लगी भाई, देखो सामने वाला रस नहीं क्या। आ जाओ भाई डिस्कॉर्ड पे बैठा हूँ भाई। भाई ये गलत बात है, सामने वाला रस करना चाहिए। कुछ गलत नहीं है भाई, सब ऐसे ही खेलते हैं। सही बंटे खेल रहे थे, कोई स्पैम भी नहीं कर रहा था पता है भाई। तुम्हारा साइड में आया था भाई ये वो लोग, भाई पूरा जीतने के मूड पे आया पता है। जीतते तो ही है भाई, जीतने के मूड से तो खेलेंगे वो भाई। थोड़ा सा वो होना चाहिए ना, रस का गेम होना चाहिए ना। छह बंदा अगर कैम करे तो हम लोग कैसे खेलेंगे। गाइस आपको लगता है किसी ने कैंप किया है किसी ने भाई? चैट देखो एक बार, चैट तुम्हें खुद बताएगी भाई। किया तो है भाई, मैं दिखा दूंगा भाई सबके सामने। फुल कैंप नहीं किया भाई, सही खेला है अपोनेंट ने, बहुत सही खेला है। अगर बताना मेरे साइड होके बताना साले तेरे को क्यों लिया भाई। मैं क्या बोलूं, मैं तो मार रहा हूं भाई वो लोग को, कितना मारूं मैं। आ जाओ डीसी में फेस रिवील यार, देखो फेस रिवील करेंगे हम लोग नॉनस्टॉप। और एक चांस क्या हो सकता है हम लोगों का भाई, मिल रहा था इतना अच्छा तरीका। तो स्पैम का वोट डाल दूं मैं? अगर हुआ तो एक और चांस मिल सकता है, आज नहीं। अगर वोट में नहीं हुआ तो फिर क्या अपोनेंट्स ने स्पैम किया? स्पैम नहीं मतलब वो कैम। अच्छा ठीक है, क्या अपोनेंट्स ने कैम किया? गाइस यहाँ पे लग गए भाई रेक्स के, दो 61% नो गाइस सबने करो नहीं तो ये आज ही सुसाइड करेगा। सबने बोला है भाई नो। चलो आ जाओ भाई, ये भी फेल हो गए। देखने के लिए किया ना नॉस्टा भाई, गलत है, सब फेस देखने के लिए कर रहे हैं। अब भाई तो तुमने भी तो फेस देखने के चैलेंज दिया था ना, मैं तो 44 ढूंढ रहा था। हां चांस मिलना चाहिए गाइस। हां वो देखो मैंने देखा एक दो बंदा लिख रहा है, इसके लिए भी पोल करवा दूं क्या एक? हाँ चांस मिलना चाहिए, चांस का भी पोल करवा देते हैं भाई, अभी पता चल जाएगा। हाँ गाइस प्लीज तुम्हारा भाई को वोट करो यार, नहीं तो भाई सीन हो जाएगा, बहुत गंदा सीन हो जाएगा, प्लीज वोट। क्या चांस मिलना चाहिए प्लीज? 100% मैं ही पहले वोट किया हूँ, 100% रेक्स। अरे ये ऑडियंस गलत बोल रहे। अबे क्या कर रहे हो, 54% कुछ नहीं, फेज देखना है इन लोगों का, मैं समझ गया भाई, चांस तो मिलना। अरे नहीं है, चांस मिल रहा है तेरे को, मिल रहा है। हाँ अबे मिल रहा है,
नहीं नहीं अभी भी अभी 52% ज्यादा है, अभी भी नहीं मिलना चाहिए फिर। अरे देंगे ना, देखो 59। अरे प्लीज भीख मांग रहा है रेक्स इधर जल्दी। अरे हो गया। ओ माय गॉड भाई, थैंक यू सो मच। जितने भाई लोग भाई सपोर्ट किए, थैंक यू भाई। कैसे भाई आप तो नष्ट भाई कुछ नहीं बोल सकते, ऑडियंस का जो वोट है वो ही करना पड़ेगा तुमको। तो कोई नहीं, अभी फेस रिवील मना थोड़ी ना हुआ है। अरे ऑडियंस की तरफ से जो भी ऑडियंस ने थोड़ी बोले कि नहीं, इसका मतलब ऑडियंस का वही है, एक मैच और फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ वो एक मास के बाद वही तो। और चलो ना एक काम कर देना, कल करते गाइस संडे में सीधा फेस रिवील स्ट्रीम के बाद, ठीक है? प्रॉमिस कर भाई ऑडियंस से, तू फेस रिवील करेगा कल अगर हार गया तो। सो गाइस यहां पे मैं प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं फेस रिवील करूंगा, नहीं करेंगे या फिर वो अपना फेस रिवील तो करेंगे लेकिन किसी दूसरे की फोटो दिखा के एक प्रैंक ना कर दे, इससे रिलेटेड अपना ओपिनियन आप कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।